गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा किसी फल की डिमांड होती है तो वह आम है। फलों के राजा आम को लोग बड़े चाव से खाते हैं और आम अगर हापुस हो तो फिर कहने ही क्या, सबसे महंगा आम हापुस ही है। फिर भी इंदौर में इसकी डिमांड हर समय हाई पर रहती है, इसी के चलते अन्य राज्यों से इसका आयात बड़ी मात्रा में हो रहा है। हापुस आम अगर महाराष्ट्र की रत्नागिरी का हो तो मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। इस आम की खासियत यही होती है कि पेट ही नहीं भराता और पेट भरा जाए तो मन नहीं भराता। एक आम खाने के बाद दूसरा खाने का मन करने लगता है क्योंकि इसका स्वाद अन्य आमों के मुकाबले लाजवाब होता है। इंदौर शहर में भी इसकी मांग कई ज्यादा रहती है। हर तबके का आदमी सीजन में एक बार तो इस आम को खाता ही है। मुंबई से पहली बार हापुस आम बेचने के लिए इंदौर आए व्यापारी अली मोहम्मद ने बताया कि इस बार आम की पैदावार अच्छी हुई है। वर्तमान में हापुस आम का भाव 900 रुपए दर्जन से लेकर 1200 रुपए दर्जन तक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास शुद्ध रत्नागिरी और देवगढ़ दो जगह के हापुस आम मौजूद है। इसका स्वाद बाकी आम के मुकाबले अलग है व बेहतर है। इंदौर में हमारी दुकान बॉम्बे हॉस्पिटल और साकेत व 56 दुकान के पास स्थित है। वहीं महंगा होने की वजह से हापुस आम के नकली होने की संभावना ज्यादा रहती है। असली आम की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जबकि केमिकल युक्त नकली हापुस आम में खुशबू नहीं होती। डजन है 1100 रुपए डजन है, 1200 रुपए दर्जन है। प्योर हापुस है, उसका टेस्ट अलग रहता है। मैं मुंबई से रहने वाला हूँ, मुंबई में धंधा करता हूँ। इस बार पहली बार इंदौर आए हैं। दुकान है हमारा इधर मुंबई हॉस्पिटल के पास साकेट में है, 56 दुकान के पास इधर है। इस बार आम ठीक हुआ, मस्त आम हापुस आ रहा है, एकदम एक नंबर हापुस मिलेगा। प्योर रत्नागिरी और देवगढ़ दो क्वालिटी का हापुस मिले। बहरहाल अच्छी क्वालिटी का हापुस आम इंदौर में आने लगा है। जैसे जैसे आमों की आवक होने लगेगी वैसे वैसे आम के दामों में कमी की संभावना है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।